अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ये देखिए आज हम आप लोग को बेबी बेडशीट डिजाइन बनाकर दिखाने जा रहे हैं। ये देखिए मैंने चार कलर का कपड़ा लिया है, आप अपने हिसाब से कोई भी ले सकते हैं। इससे आप बेबी बेडशीट, पिलो कवर, कुशन कवर, सिंगल डबल कुछ भी बना सकते हैं। ये देखिए जो मैंने पिंक वाला लिया है एक पीस लिया है, और येलो मैंने लिया है दो पीस, और वाइट मैंने लिया है चार पीस, और गहरा नीला कलर का लिया है मैंने दो पीस। इसको इसी तरीके से रखेंगे, ऐसे रखेंगे, बीच में हमारा पिंक वाला बीच में रहेगा और येलो वाला दोनों बगल में रहेगा किनारे किनारे, और हमारा गहरा नीला कलर भी किनारे किनारे रहेगा। और इस तरीके से चारों तरफ वाइट रख देंगे। ये देखिए वाइट के ऊपर, येलो के ऊपर वाइट रखकर और इसी तरीके से हम सिलाई कर लेंगे। ये देखिए इसी तरीके से फिर इसको भी इसी तरीके से रखकर और सिलाई करेंगे। और जो हमारा ये वाला पीस है इसी तरीके से हम सेम रख कर सिलाई करेंगे। पिंक वाला नीचे रहेगा और हमारा जो नीला कलर का है गहरा ऊपर रहेगा। देखिए इसी तरीके से सिलाई करेंगे, और ये वाला पीस सेम ही इसी तरीके से करेंगे सिलाई। देखिए बीच में हमारा पिंक वाला रहेगा। देखिए हमने सिलाई कर लिया है, और इसको भी इसी तरीके से सिलाई करेंगे जो तरीका मैंने पहले बताया है। येलो वाला हमारा नीचे रहेगा, वाइट ऊपर रहेगा, और सिलाई करेंगे। और ये वाला भी पीस इसी तरीके से हम रखकर सिलाई कर लेंगे। ये देखिए अब हम आप लोग को ये एक पट्टी जो हमारा ये है इसको अगर इसको रखकर अच्छे तरीके से और सिलाई लगाएंगे। ये देखिए अच्छे तरीके से कपड़ा सही कर लेंगे, फिर सिलाई लगाएंगे। और ये वाला भी इसी तरीके से हम रखकर ये इधर वाला भी सिलाई लगाएंगे। व्हाइट और येलो वाला ऊपर रहेगा इसी तरीके से। और ये जो बगल वाला कपड़ा है इसको कट करके निकाल देंगे, और इसी तरीके से हम रख लेंगे और इस पर निशान लगाएंगे। देखिए चार इंच पर हमारा सिलाई होकर आया है, तो इसमें दो इंच पर हम बीचों बीच में सिलाई निशान लगाएंगे। ये देखिए दो इंच पर हम निशान लगाएंगे बीच में, और इसी तरीके से हम निशान लगाएंगे रखकर। अब इसको हम निशान लगाए थे जो, उस पर इसी तरीके से हम निशान लगा लेंगे कि हमारा लाइन हम जो कटिंग करें वो अच्छे तरीके से सीधा रहे। और ये भी इधर भी हमारा चार इंच का आया है सिलाई होने पर, इधर भी हम दो दो इंच पर निशान लगाएंगे इसी तरीके से। और इधर भी इसी तरीके से भी निशान लगा लेंगे। इससे क्या होता है कि हमारा जो लाइन रहता है वो सीधा रहता है, कटिंग हमारा सीधा रहेगा। और ये देखिए, और इसी तरीके से हम इस पर भी रख लेंगे। ये देखिए जो किनारे एकदम ये हमारा रहेगा चौकंडे की तरह निशान हुआ था, और इसको हम इसी तरीके से रखेंगे अच्छे तरीके से, और बीचों बीच में निशान लगा लेंगे। ये देखिए इसी तरीके से, ये देखिए हमने निशान लगा लिया। हमने चारों तरफ इसी तरीके से रख कर निशान लगाना है। ये देखिए इसी तरीके से हम रख के अच्छे तरीके से निशान लगाए। देखिए
चारों तरफ हमें निशान इसी तरीके से लगा लेना है। और ये देखिए, इधर भी इसी तरीके से सेम लगाना है। ये देखिए, हमने निशान लगा लिया है और इसको हम इसकी कटिंग करेंगे। बीच में इसकी कटिंग कर लेंगे इस तरीके से। इधर भी इसी तरीके से कट करेंगे। ये देखिए, इसको भी बीच में हम अच्छे तरीके से कटिंग करेंगे, बीचों बीच में। इसी तरीके से हम पूरी पीस की कटिंग कर लेंगे। ये देखिए, हमने पूरे पीस की कटिंग कर ली है और इसको आपको सिलाई कर कर दिखाएंगे। देखिए, इसी तरीके से हम पीस को रखेंगे और इस तरीके से रख कर और इसको आप बीच में सिलाई करेंगे। इसी तरीके से हम रख कर पीस को और सिलाई लगाएंगे। देखिए, इस तरीके से रख लेंगे अच्छे तरीके से पहले, और इसको इस तरीके से रखकर और देखिए, इसी तरीके से हम सिलाई लगाएंगे बीच में। ये देखिए, हमने दोनों पीस किए, इसी तरीके से मैंने सिलाई लगाया है। ये देखिए, सिलाई लगा लिया है मैंने दोनों पीस का इस तरीके से। देखिए, और ये जो हमारा कोना है इसको कट करके निकाल देंगे। इधर भी कट करके निकाल देंगे। ये देखिए, इसी तरीके से हमारा ये पीस तैयार हुआ है और इस पीस का भी सिलाई कर कर आप लोग को दिखा रहे हैं। देखिए, एक पीस इस तरीके से रखेंगे और ये पीस भी इसी तरीके से रखेंगे। जो हमारा छोटा छोटा वाला पीस है वो एक तरफ रहेगा, जैसे येलो एक तरफ और हमारा गहरा नीला कलर वाला एक तरफ रहेगा। इसी तरीके से, ये नहीं कि एक इधर एक उधर। ये देखिए, देखिए इसी तरीके से हम रखकर दोनों पीस की सिलाई करेंगे। ये देखिए, ये जो हमारा पिंक वाला है वो बीच में रहेगा। एक साइड पिंक और एक साइड गहरा नीला कलर वाला जॉइंट करेंगे, एक साइड येलो एक साइड पिंक वाला जॉइंट करेंगे। देखिए, इसी तरीके से हम पीस को रख लेंगे और फिर उस पर सिलाई लगाएंगे। ये देखिए, इसी तरीके से हम अच्छे तरीके से सिलाई को लगाएंगे, उतारा हम आराम से, और इस पीस की भी इसी तरीके से हम सिलाई करेंगे। ये देखिए, अब इसको हम बीच में सिलाई लगाएंगे। अच्छे तरीके से हम बीच में रख लेंगे कपड़े को और सिलाई लगाएंगे। ये देखिए, हमने सिलाई लगा लिया है और इस तरीके से हमारा जो हमारा कपड़ा है किनारे किनारे में बचा हुआ उसको कट करके निकाल देंगे। और इसी तरीके से हमारा डिजाइन बनकर तैयार हुआ है। अगर ये पूरा बेडशीट बनेगा तो बहुत प्यारा लगेगा ये डिजाइन का। अगर आप लोग को ये डिजाइन पसंद आए, आप लोग बनाए ज़रूर, इसको ट्राई करें बनाकर, बहुत प्यारा लग रहा है। अब इसको हम आप लोग को प्रेस करके ये डिजाइन दिखाएंगे। ये देखिए, हमने प्रेस कर कर इसी तरीके से हमारा डिजाइन कंप्लीट हुआ है। अगर आप लोग को ये डिजाइन पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर करें, जो पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे।